First question of the test was assertion reason type. Assertion, displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero. The answers are not distance, displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero. Distance zero nahi hai, so displacement zero ho sakti hai kya? Is it possible? No? मेरे ख्याल से तो पॉसिबल है, हो सकता है ऐसे डिस्टेंस कवर हो रहा हो पर वो अगर दोबारा से घूम के वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। तो ये असर्शन करेक्ट है हमारी। रीजन है द डिस्प्लेसमेंट इज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये फॉल्स है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारा रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, तो आपका आंसर हो गया सी। तो इसका आंसर था सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सेकेंड है असर्शन, द स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव। रीजन, इफ द बॉडी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव मोशन देन इट्स स्पीड इज नेगेटिव। तो इसमें आपका एक मिनट, पहले देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, पहले आप चेक करोगे असर्शन करेक्ट है कि नहीं, फिर आप चेक करोगे रीजन करेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों में से एक रॉन्ग मिल जाती है तो आपका आंसर सी या डी होगा। अगर एक रॉन्ग मिल जाती है, इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, तो सी हो गया। If assertion is false and reason is true, तो D हो गया। अगर दोनों करेक्ट हैं, फिर क्वेश्चन है कि A है कि B है। If assertion and reason both are correct, then the question arises कि जो reason है वो assertion पे explain कर रहा है कि नहीं है, कि एक independent statement है। अगर वो उसको explain कर रहा है तो A है, अगर नहीं कर रहा तो B है, ऐसे आएगी आपके। ठीक है, एक फिफ्थ भी है अगर दोनों फॉल्स हो, वो काफी रेयर केस होता है, फिफ्थ ऑप्शन ई ऑप्शन, जब दोनों स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हो। तो हमारा है अब असर्शन, स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव, नो इट कांट बी नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी, जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आपके असर्शन तो रॉन्ग है। रीजन, If the body is moving in opposite direction of positive motion, then its speed is negative. ये ठीक है कि नहीं है? नहीं ठीक है? How can you say? Yes, you. How can you say कि ये wrong है? बताओ. If the body is moving in opposite direction of positive motion, then the speed is negative. उससे कोई लेना देना नहीं है किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में जो स्पीड हम काउंट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और बॉडी उधर जा रही है तो इसकी स्पीड नेगेटिव होगी, वो उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, बैठ जाओ। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, इसका आंसर था ई। आपको पता चल ही गया होगा अपने स्कोर से, ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबका गलत ही होगा। थर्ड है असर्शन, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्टेशनरी के लिए ठीक है कि नहीं? करेक्ट है ये। रीजन दे रहे हैं, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, करेक्ट है कि नहीं? यस करेक्ट है, और ये उसी का आंसर भी दे रहा है, क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती इसलिए ग्राफ ऐसा होता है। तो ये इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीसेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीसेलरेशन। ऑप्शंस आर ईगल टेकिंग ऑफ फॉर फ्लाइट, टेक ऑफ कर रहा है, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, वो तो ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड में इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, वो डिसेलरेट नहीं हो रहा, रिटार्ड नहीं हो रहा। रोलर कोस्टर मूविंग डाउनवर्ड्स,
रोलर कोस्टर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो नहीं होगी, वेरी कर रही होगी, पर मूविंग डाउनवर्ड है, वो किसी एंगल पे आ रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है कि नहीं है, वी कांट से। कार अप्रोचिंग रेड लाइट, ये तो बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि ट्रैफिक लाइट पे कार आके रुक रही होगी, रेड लाइट, कार अप्रोचिंग रेड लाइट, तो वो वहां पे रिटार्ड हो रही होगी, ये तो बिल्कुल क्लियर एग्जांपल था, तो यही इसका आंसर था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन करेक्टली, ये आंसर कितने बच्चों का ठीक है, सबका ठीक है, आपने क्या लिखा, यही, अच्छा। फिफ्थ है, इन 12 मिनट्स अ कार whose speed is 35 km per hour travels a distance of how much you have to tell, ठीक है, let us solve that, कि कितना distance travel करेगा, सुन लो question दोबारा से, once again, in 12 minutes a car whose speed is 35 km per hour, उसका distance निकालना है simply, डिस्टेंस दिया किसमें हुआ, यूनिट देख लीजिए, यहां से यूनिट है किलोमीटर, किलोमीटर में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको भी आवर में करना पड़ेगा, अब हम मीटर पर सेकंड में नहीं करेंगे क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस चाहिए, सो वी नीड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इन आवर, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे 12 मिनट को आवर्स में, 60 से डिवाइड कर दोगे, 1/5 hours, अब फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 35 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, सो आंसर इज 7, 7 व्हाट, 7 किलोमीटर, नाउ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी डेफिनेटली किलोमीटर, सो आंसर वाज ए पार्ट, 7 किलोमीटर, आंसर इज 7 किलोमीटर। Question number 6. A car increases its speed from 20 km per hour to 30 km per hour in 10 seconds. Its acceleration is. क्या आंसर था आपका आया? हाँ? आंसर आया ही नहीं था. फिर आपने क्या मार्क किया? 0.38 कुछ था, वो अब मैंने करेक्ट कर दिया, 0.27, पर बाकी आंसर तो बनते ही नहीं है, अब अगर कोई आंसर नहीं होता ना, ये देखा करो सबसे क्लोज कौन सा, 0.2 था ना आपका, 27 मतलब 0.3 के अराउंड हो गया ना, वहां 0.3 या 0.0 में जो आंसर दिया था वो सबसे क्लोज है ना, फिर वो दिया करो, बाकी तो बन ही नहीं सकता आपका 3 m/s² वगैरह, वो तो हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन ही करेक्ट है, अब आप चेक करना अपना स्कोर अपडेट हो गया होगा, डी ऑप्शन करेक्ट थी, वो मैंने ठीक कर दी, उसका आंसर 0.27। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, देन यू हैव टू चेक यू और वी किस यूनिट में दिए हुए हैं, किलोमीटर पर आवर में, एंड टाइम इज गिवेन इन सेकेंड, टाइम इज 10 सेकेंड, अब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही दी हुई है, तो दैट मींस आपको वेलोसिटीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, सो हाउ यू विल कन्वर्ट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, सो वी विल मल्टीप्लाई विद 5/18, 50/9, 25/3, ये आपके यू आर वी हो गए, पुट द वैल्यूज नाउ, सॉल्व करिए एलसीएम लेके, विद यूनिट ये आंसर हुआ 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करो नोट, नोट इट डाउन,
ओके क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आफ्टर दैट, पहले ये देख लो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। Last question, seventh is, the velocity of an object is directly proportional to the time elapsed. The object has what? Uniform speed, uniform velocity, uniform acceleration, variable acceleration. Velocity is directly proportional to time ka matlab kya hai? In equal intervals of time, velocity is changing by equal amount. Yehi hua na? Velocity is directly proportional to time. If you plot the graph also, for your own convenience, then the graph will also be a straight line like this. So this is indicating uniform acceleration. So C part is correct, uniform acceleration. Answer is uniform acceleration. Velocity is directly proportional to time. Jitna jitna time change ho raha hai, velocity bhi utne amount se change ho rahi hai, iska matlab. So that means acceleration is uniform. It can't be uniform velocity, it can't be uniform speed. क्योंकि वेलोसिटी तो वेरी कर रही है ना टाइम के साथ, चेंज हो रही है, वो कह रहे हैं, बट इक्वल इंटरवल्स में इक्वली चेंज हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके फाइन, चलिए टेस्ट हो गया हमारा, अब हम प्रैक्टिस करते हैं बाकी क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा। अब आपका रिविजन टेस्ट 2, उसमें 4th चैप्टर आएगा, ठीक है? तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉल, who will tell me Newton's first law of motion? What is the statement of Newton's first law of motion? Yes, anyone? हाँ ठीक है, but हमें try to be particular about the wording also, because this is a law. तो स्टेटमेंट जितनी हो सके उतनी क्लोज होने की कोशिश करिए। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। वही कि बुक का आप माइंड में रखो कि बुक को आप नहीं हिलाओगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। सो एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless acted upon by a net external unbalanced force. अगर unbalanced force है तो क्या इसका resultant zero होगा कि नहीं होगा? Tell me. What do you say? If there is an unbalanced force, will its resultant be zero? Will it have zero resultant? No. It will have some resultant. Its resultant will not be zero. In which case resultant is zero? In case of balanced forces, the forces balance each other, they cancel out each other, and that's why the resultant comes out to be zero. Okay? Who will tell me what is importance of Newton's first law? It gives us definition of force, not formula. It gives us definition of force. क्योंकि हमने कहा है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द सेम स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय, जब तक फोर्स नहीं लगता उसी स्टेट में रहेगी। इसका मतलब फोर्स वो चीज है जो स्टेट को चेंज कर सकती, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो हमें इनडायरेक्टली इसकी डेफिनेशन ही मिल रही है वहां। व्हाट दिस? ओके फाइन, नेक्स्ट है इसके बाद मोमेंटम। कौन बताएगा व्हाट इज मोमेंटम? What is momentum of an object? How do you define? There are two definitions. हाँ दिव्या बताओ। Anyone definition? Formula बता दो। है माइंड में P momentum. P equal to mv. P क्या है इसका? Sit down. What is P here? Momentum का symbol. यूनिट क्या है इसका? ये फॉर्मूला है।
व्हाट इज इट्स यूनिट? मास, केजी, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड. सो इट इज केजी मीटर पर सेकेंड. यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. एंड डेफिनेशन इज मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक तो ये दे सकते हैं. सेकेंड डेफिनेशन इज इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने ट्रक और साइकिल का एग्जाम्पल दिया था कि एक ट्रक, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर ग्रेटर हुई तो मोमेंटम विल बी मोर. ठीक है, ट्रक का सेम मास है. अ ट्रक एंड अ साइकिल आर कमिंग विद द सेम वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी सेम है, सिर्फ मास ही डिसाइड करेगा कि मोमेंटम कितनी ग्रेटर. तो ट्रक विल कंटेन ग्रेटर मोमेंटम. तो अगर आप उससे कहीं स्ट्राइक हो गए तो ट्रक विल कॉज मोर डैमेज टू यू. अगर ट्रक और साइकिल आ रहे हैं तो कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा? ट्रक. ठीक है, अब हम मास कांस्टेंट रखते हैं. सपोज देयर आर टू साइकिल्स, मास सेम है, एक फास्ट आ रहा है बहुत फास्ट, दूसरा स्लो आ रहा है, तो किससे ज्यादा हार्म होगा आपको? चाहे साइकिल ही हो पर अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो इट विल ऑल्सो कॉज हार्म. ओके, सो देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो वी कैन से मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. It is the quantity of motion contained in an object. ये हो गया unit. Is it a scalar or a vector? It's a vector quantity. Okay. चलिए after that the momentum के बाद Newton's second law of motion के statement कौन बताए? Yes, online students. What is Newton's second law of motion? Yes. Anyone? What is Newton's second law of motion? Anyone? Yes, Ashna. Ma'am, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and the change acts in the direction in which the force acts. Yes, very good. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and the change takes place in the direction of force. ठीक है, तो जिस direction में force लगाएंगे object उसी direction में accelerate होगी. We mean to say this, उसकी momentum उसी direction में change हो. This is Newton's second law of motion. And important is it gives us formula of force. Which formula? F is equal to ma. How do we get that formula? From the definition. हमने जो अभी बोला कि force is directly proportional to rate of change of momentum. मतलब change in momentum over time. Change in momentum upon time. Change in momentum is final momentum minus initial momentum. Final momentum को हम mv लिख सकते हैं, initial को हम लिख सकते हैं mu. Take m common. F is equal to m v minus u over t. What is v minus u over t? Acceleration. So we get the formula of force, F is equal to ma. From Newton's second law. So this is the importance of Newton's second law. Out of the three laws, which is universal law of motion? Which is the real law? Second, because we can obtain both first and third laws from Newton's second law. इससे हम दोनों laws obtain कर सकते हैं. That's why it is the reason. Okay, fine. Then statement of Newton's third law you already know. That to every action there is an equal and opposite reaction, and these two forces, action and reaction, they are internal forces. They cancel out in pairs. They are internal forces and they act on two different bodies. That's why motion takes place. Forces are equal in magnitude but opposite in direction. So they always act on two different bodies. Only then the motion will be taking place. If the forces are acting on one body, then motion will not be taking place. Is that clear? Fine. चलिए क्वेश्चन लिखिए.
The rate of change of momentum, write down a small numerical. The rate of change of momentum of an object is, the rate of change of momentum of an object is 10 kg meter per second square. It is 10 kg meter per second square. Calculate the force acting on the object. Calculate the force acting on the object. Calculate the force acting on the object. कोई बता सकता है? Any idea about it? Any guesses? क्या आंसर होगा? You have done the things. अब आंसर क्या apply करना है आपको concept? नहीं आ रहा mind में? देखो ये क्या है? Rate of change of momentum. Question में दिया है ना? And according to Newton's second law, you just said that force is rate of change of momentum. हमने लिखा ना फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स ही तो है उसके इक्वल, तो इसका मतलब फोर्स इज 10 न्यूटन. अब आप कहोगे कि ये तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसको न्यूटन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज 1 न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओनली. आई टोल्ड यू यूजिंग एफ इज इक्वल टू एम ए, इफ यू राइट द यूनिट ऑफ मास केजी एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, we call that only 1 newton. I told you ki ye bigger hai aur saath mein iska concept newton ne diya tha, so unit of force is named after him, but ye hai isi ke equal, it will remain equal to kg meter per second. to ye jo aapko diya hua hai, in fact newton hi diya hua hai. rate of change of momentum, momentum ka unit kg meter per second over second, तो ये बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस यूनिट. व्हाट दिस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स, सो फोर्स इज आल्सो 10 न्यूटन. ओके फाइन, बट सिंस द पेपर इज ऑब्जेक्टिव तो रीजन देने की जरूरत तो नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि असर्शन रीजन में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. Assertion reason questions तभी हो पाएंगे if you have understanding. What this? Clear है ये? चलिए. एक question लिखिए, वैसे मेरे को याद आ गया, लिखो वो displacement वाले question से. An athlete covers 2 rounds. Covers 3 rounds, ऐसे करो. An athlete covers 3 rounds of a circular track, of a circular track of radius 100 meter, of radius 100 meter calculate the distance and displacement traveled by him. Of radius 100 meter, calculate the distance and displacement covered by him. चलो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बिगिनिंग में, बताइए मुझे क्या आएगा. So there is a circular track of radius 100 meter. How much is the displacement first of all? बताइए. Anyone? Displacement? नहीं. Zero. Displacement will be zero because he is completing 2 rounds. दो round complete करके वो वापस उसी point पे आ गया होगा. यहाँ अगर start किया तो एक round और ये दूसरा round. He is coming back to the starting point. So displacement is zero in this case. And how much is the distance? Yes. What is the distance covered in 3 rounds? कितना?
बोलो, यू आर सेइंग समथिंग, एनीवन? हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन वन राउंड? ऐसे थोड़ी होता है, सर्कल में डिस्टेंस सर्कमफेरेंस नहीं होता। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज 2 पाई आर। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड विल बी 3 × 2 पाई आर, 6 पाई आर। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। टू पाई आर, सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड इज 3 × 2 पाई आर, दैट इज 6 पाई आर। नाउ पुट इन द वैल्यूज, पाई इज 22/7 या 3.14, वॉट एवर यू वॉन्ट, और रेडियस है 100। तो इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट्स में आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अप्रोक्सीमेटली इसको 21 ले लो, 7 3s हो गए, 6 3s, ठीक है, 1800 के आसपास आ जाएगा थोड़ा बहुत, राइट? तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। इज दैट ओके? क्लियर? What is the law of conservation of momentum statement? कौन बताएगा? Law of conservation of momentum. How do we state it? In an isolated system कौन सा होता है? That is when net external force acting on a system is zero. जिस system पे कोई external force act नहीं कर रहा होता. Initial momentum remains equal to final momentum. This is the law of conservation of momentum. Okay, this is our law of conservation of momentum. Got it? Yahi tha na? So what is the condition for momentum to be conserved? Condition for momentum to be conserved is that system should be isolated. Net force acting on it should be zero. External force nahi act karna chahiye isko. ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिए। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल्स बता सकते हो कोई? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? हाँ, वॉकिंग, ये वॉकिंग ऑफ रॉकेट, वही जो सारे एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ के थे वही इसके भी हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वही एग्जांपल्स हैं, ठीक है? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आपने एक्सरसाइज में किए हैं, एक बार उनको रिकॉल करिए और उनकी प्रैक्टिस करो। अब जैसे मैंने आज एक ये वाला क्वेश्चन कराया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो फोर्स निकालो, आप चुप कर गए, जबकि आप खुद स्टेटमेंट बोल रहे हो कि न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब इक्वल टू फोर्स। फोर्स खुद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, इसका मतलब वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे रहे हैं वो फोर्स ही है,